अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और कोरोना वायरस से बचने की सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे होंगे। मौजूदा सूरत हाल की वजह से हम सब घरों में महदूद हैं, लेकिन इस वक्त को घर बैठकर भी मुस्बत बनाया जा सकता है, जैसा कि किताबें पढ़कर या उन्हें सुनकर। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इदारे तालीम आगाही और चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि बच्चों के अदबी जश्न ने एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है, सुनो सुनो एक कहानी के नाम से, जिसमें आप लोगों के लिए मज़े मज़े की कहानियां हैं। बच्चों का अदबी जश्न इदारे तालीम आगाही का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। CLF अब तक पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए 70 से ज़ायद अदबी जश्न करवा चुका है, जिसमें ना सिर्फ बच्चे बहुत कुछ सीख कर जाते हैं बल्कि असातिज़ा के लिए भी एक अलग दिन वक्फ किया जाता है। तो बच्चों, आज जो किताब में पढ़ूंगी उसका नाम है जलगढ़े की कहानी। ये कहानी मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और पानी के तहफ़ पर मबनी है, जो कि कीनिया के एक किसान पैट्रिक किलियांजो मुआल्वा की सच्ची कहानी से मुतासिर है। इस कहानी को लिखा है नसर सईद ने, तस्वीर बनाई है अस्मा अब्बासी और सोलेहा गनी ने, और पब्लिश किया है gori.pk ने। नसर सईद ने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, इसके अलावा वो gori.pk की बानी भी हैं। तो बच्चों, हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। जब सूरज तुलू हुआ तो हाथी, भैंसें और ज़ेबरा जलगढ़े पर पानी पीने के लिए आते। जलगढ़ा सूरज की शुआओं से चमक उठता। उसको अपने जानवर दोस्तों से इतनी मोहब्बत थी कि पानी की लहरों में इसकी मुस्कुराहटें नजर आती। जब बारिश के पानी से वो सैराब होता तो ऐसा लगता कि आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया कह रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती, हाथी चिंघाड़ते और ज़ेबरा हिनहनाते, भैंसें टकारती। जब जानवरों के पांव पानी में दाखिल होते तो छपक छपक की आवाजें आती। हाथी सूंड से पानी बरसाते। जानवर ये जानते थे कि पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है और इस कीमती तोहफे के लिए वो जलगढ़े के एहसान मंद थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हालात बदलने लगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से जो बारिशें जलगढ़े को पानी पहुंचाती थी, सूरज की तपती धूप से तमाम पौधे झुलस गए और जलगढ़े का पानी खुश्क हो गया। जलगढ़े की हसीन मुस्कुराहट उदासी में तब्दील हो गई। चंद दिनों में जानवर जलगढ़े का बचा बचा पानी भी पी गए। प्यास की शिद्दत और गर्मी से निठार होकर जानवर बड़ी तादाद में बीमार होने लगे। इन हालात ने उनको खौफ सदा और ना उम्मीद कर दिया था। जैसे कि जिंदगी का असूल है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। पैट्रिक किगोंजो मुआल्वा कीनिया में रहने वाला एक किसान था, जिसने देखा कि बारिश ना होने की वजह से ज़मीन सूख गई है। उसको एहसास हुआ कि जानवरों की जान खतरे में है। वो इस ख्याल से परेशान हो गया। कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद उसको मसले का हल समझ में आ गया। पैट्रिक एक ऐसा शख्स था जो मुश्किल वक्त में भी मेहनत करने में यकीन रखता था। उसका कहना था कि हरकत में बरकत है। एक तवील रास्ता तय करके पैट्रिक जलगढ़े तक पहुंचा और उसने टैंकर के जरिए पानी जलगढ़े में डाल दिया। साफ पानी के आने से जलगढ़े की मुस्कुराहट वापस आ गई। वो पैट्रिक की इस नेकी पर बेहद शुक्रगुजार और खुश था कि जानवरों की प्यासा रहने के दिन खत्म हो गए हैं। ज़ेबरे, हाथी और भैंसें एक एक करके अपने दोस्त जलगढ़े के पास वापस आने लगे। ये खबर आस पास के जानवरों में फैल गई और सब खुशी खुशी साफ पानी पीने और इसमें नहाने और खेलने पहुंच गए। जलगढ़ा एक बार फिर जानवरों की आवाज़ों से झूम उठा। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, हाथी चिंघार रहे थे, ज़ेबरे हिनहना रहे थे और भैंसें डकार रही थी।
जब जानवरों के पांव पानी में दाखिल होते तो छपक छपक की आवाजें आईं। हाथियों ने सूंड से पानी बरसाया। जल कढ़ा और उसके साथी दोबारा खुश रहने लगे। उनको ये एहसास था कि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। खुश्क साली की तकलीफ सहने के बाद वो इस कीमती तोहफे के लिए पैट्रिक के एहसानमंद थे। जानवरों की खुशी देखकर पैट्रिक ने फैसला किया कि वो हर हफ्ते जल गढ़े पर पानी लेकर जाएगा। जब भी वो अपना टैंकर लेकर पहुंचता, जानवर उसको देखकर खुश होते। वो अपने नए नए दोस्त से बेहद प्यार करते थे और उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। एक रात तो ऐसा भी हुआ कि 500 के करीब पैसे जल गढ़े पर पैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। वो उसके टैंकर की आवाज़ पहचान गई थी और दुम हिलाते हुए सब्र से पानी भरने के लिए ठहरी रही। फिर उन्होंने शुक्रगुजारी और मज़े से पानी पिया। पैट्रिक का बचपन खुली फिजा और कुदरती माहौल में गुजरा था। जानवरों की देखभाल और पानी की अहमियत का उसको एहसास था। चूंकि अक्सर लोग इन बातों को समझ नहीं पाते, पैट्रिक ने लोगों में इस बात को उजागर करने की मुहिम शुरू कर दी। वो स्कूलों में जाकर अपनी कहानी बच्चों को सुनाता है। वो चाहता है कि जानवरों की देखभाल और माहौल का तहफ़ उनकी तरबियत का हिस्सा हो। जब लोगों ने पैट्रिक की कहानी सुनी तो कुछ ने उसकी मदद की। रकम में इजाफा हुआ तो उसने एक ट्रक खरीद ली। अब वो दूसरे जलगढ़ों पर भी पानी पहुंचाता है। पैट्रिक का कहना है, हम ही जानवरों की आवाज़ हैं। प्यारे बच्चों, जल गढ़े की कहानी एक हमदर्द इंसान की कहानी है। खुश्क साली, जिसको अंग्रेज़ी में ड्राउट कहते हैं, एक बहुत बड़ा कुदरती मसला है। लेकिन क्योंकि पैट्रिक एक हमदर्द इंसान था और जानवरों से प्यार करता था, उसने अपने अतराफ के जानवरों की मदद की और इस मसले का हल ढूंढकर इस पर अमल किया। आखिर हरकत में बरकत है। बच्चों, जब कभी आपके सामने कोई मसला आए तो आप भी पैट्रिक की तरह सोचें। शायद आपके सोचने से भी बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं और आप भी दूसरों के काम आ सकोगे। अलामा इकबाल ने नज़म हमदर्दी में कहा है, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अब मैं आपसे करूंगी कुछ सवाल। मेरा सबसे पहला सवाल है, इस कहानी में उस वक्त का जिक्र है जब कीनिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली के दिन आए, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। आप बताएं, इसकी वजह से जानवरों को क्या नुकसान पहुंचा? बिल्कुल सही, जल गढ़े का पानी जानवर आहिस्ता आहिस्ता पी गए। फिर प्यास की शिद्दत और गर्मी से निढाल होकर जानवर बड़ी तादाद में बीमार हो गए। अब मैं आपसे करूंगी दूसरा सवाल। तो बच्चों, मुझे ये बताएं कि पैट्रिक ने इस बारे में क्या किया, यानी कि इस मसले को, इस खुश्क साली के मसले को हल करने के बारे में क्या किया और वो जानवरों की मदद क्यों करना चाहता था? जी, सबसे पहले तो पैट्रिक एक तवील रास्ता तय करके जलगढ़े तक पहुंचा और फिर उसने टैंकर के जरिए साफ पानी जलगढ़े में डाला। पैट्रिक एक ऐसा शख्स था जो मुश्किल वक्त में भी मेहनत करने में यकीन रखता था। पैट्रिक का बचपन हमेशा से खुली फिजा और कुदरती माहौल में गुजरा था। जानवरों की देखभाल और पानी की अहमियत का उसको बहुत एहसास था, इसलिए उसने जानवरों की मदद की। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या शुरू में लोगों ने पैट्रिक की मदद की या वो अकेला था? क्या लोग अब पैट्रिक की मदद करते हैं? अक्सर लोग इन बातों को समझ नहीं पाते थे। पैट्रिक ने लोगों में इस बात को उजागर करने की एक मुहिम शुरू कर दी। वो स्कूलों में जाकर अपनी कहानी बच्चों को सुनाता। जब लोगों ने पैट्रिक की कहानी सुनी तो बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की। जब उसकी रकम में इजाफा हुआ तो उसने एक ट्रक खरीद लिया और अब वो हर जल गढ़े पर पानी पहुँचाता है।
हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।